दोस्तों, मैं हूं इंदु और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल बालाजी क्लासेस पे। आज हम पढ़ेंगे मेमोरी। जैसे हम ह्यूमन बींग्स के लिए मेमोरी इंपॉर्टेंट है, उसके बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते, वैसे ही हमारे सिस्टम के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे सिस्टम का बेसिक और इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी के साथ। इंटरनल मेमोरी की जो हमने कैटेगरी यहाँ पे डिवाइड कर रखी है वो है रैम, रोम, कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी में है मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, सॉलिड स्टेट मेमोरी। तो जो इंटरनल मेमोरी है वो स्मॉल साइज की होती है, इसीलिए हमारी नीड के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, एक्सटर्नल मेमोरी को भी अपने सिस्टम से अटैच किया है। जो इंटरनल मेमोरी है वो डायरेक्टली हमारी कनेक्टेड रहती है मदरबोर्ड से। अब इसका साइज तो स्मॉल है इंटरनल मेमोरी का, लेकिन इसकी स्पीड जो है वो काफी हाई है। स्पीड हाई है लेकिन ये एक्सपेंसिव भी है। तो चलिए पढ़ेंगे एक एक करके इंटरनल मेमोरी को। रैम है पहली हमारी रैंडम एसेस मेमोरी। रैंडमली हम अपने डेटा को यहाँ पे असेस कर सकते हैं, कहीं से भी डेटा को असेस कर सकते हैं। वॉलेटाइल इन नेचर है, मतलब जैसे ही पावर फेलियर होगा वैसे ही हमारा डेटा लॉस हो जाएगा। इसकी दो कैटेगरी है, एस रैम, डी रैम। एस रैम का मतलब है स्टेटिक रैम, डी रैम का मतलब है डायनेमिक रैम। अब देखो, पावर फेलियर होने पर डेटा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है हमारे रैम के केस में। लेकिन इसकी जो बेनिफिशियल चीज मैं आपको बताऊं तो वो क्या है, इसकी स्पीड, इसकी स्पीड बहुत हाई रहती है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज वो ये है, जैसे ही हमें कोई भी प्रोग्राम को प्रोसेसिंग के लिए भेजना है अपने सीपीयू में, तभी भी हमारा वो जो प्रोसेस होगा वो पहले जाएगा रैम के अंदर, तब उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होगी। तो ये है रैम जो है हमारी प्राइमरी मेमोरी में आती है, रोम भी हमारी प्राइमरी मेमोरी में आती है। अब डिस्कस करेंगे हम एस रैम और डी रैम को, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं एस रैम और डी रैम के, इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। एस रैम हमारी स्टैटिक डेटा स्टोरेज होती है। स्टैटिक डेटा स्टोरेज का मतलब है जैसे ही हमारा पावर फेलियर होगा वैसे ही हमारा डेटा सारा लॉस हो जाएगा। एक्सपेंसिव इन नेचर है ये, इसको बार बार रिफ्रेश करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर से बन के मिली है, यहाँ पे कैपेसिटर्स का यूज नहीं है। ये फास्टर होती है हमारे डी रैम के कंपेरिजन में, लॉन्गर लाइफ है इसकी, साइज भी बड़ा है, और इसे हम एज ए कैश मेमोरी भी यूज कर सकते हैं। अब अगर बात करें डी रैम की, डायनेमिक रैम है ये, जो होल्ड करेगी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को। डी रैम जो बनी है वो बनी है ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से। कैपेसिटर यहाँ पे है तो यहाँ पे हमें रिफ्रेश करवाना पड़ता है हमारी मेमोरी को। तो रिफ्रेश का पॉइंट आपसे पूछे कि कहाँ पे बार बार आपको अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करवाना पड़ता है, तो वो है डी रैम। और यहाँ पे जो पावर कंजप्शन है वो काफी लो है एज कम्पेरिजन टू एस रैम। तो पॉइंट हमें कौन कौन से याद रखने हैं, एस रैम में याद रखना है डेटा लॉस हो जाएगा पावर फेलियर पे, एक्सपेंसिव है, हमें बार बार रिक्वायरमेंट नहीं है रिफ्रेश करवाने की, फास्टर है, लॉन्ग लाइफ है, लार्ज साइज है, और कैश मेमोरी की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। डी रैम के केस में क्या है, जो इसकी कैपेसिटी है वो हाई है, बार बार आपको रिफ्रेश करवाने की नीड पड़ती है। ये बनी होती है कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर दोनों से मिलके, और यहाँ पे लो पावर कंजप्शन है। ये सारे के सारे पॉइंट हमें ध्यान में रखते हैं। अब चलेंगे हम रोम की तरफ। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ये हमारी परमानेंट मेमोरी भी है। रीड ओनली मेमोरी का मतलब होता है कि हमें यहाँ पे कुछ भी राइट नहीं करना है, सिर्फ रीड करना है, कोई चेंजेस यहाँ पे हम नहीं कर सकते। फर्स्ट कैटेगरी है इसकी एम रोम। एम का मतलब है यहाँ पे मास्क्ड, मास्क्ड रोम। मास्क्ड रोम के केस में क्या है, ये हमारी वो मेमोरी है जो मैन्युफैक्चरर पहले से कंटेंट के साथ इसको फिल करके देगा, जिसमें हम कोई भी बाद में चेंजेस कर नहीं सकते हैं। ये खाली रीड हो सकती है, राइट यहाँ पे नहीं हो सकता। पी रोम का मतलब क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे क्या है, हम एक बार डेटा को, कंटेंट को डाल सकते हैं अपनी मेमोरी के अंदर। एम्प्टी चिप हमें मिलती है, उसके अंदर एक बार हमने डेटा डाल दिया, उसके बाद उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते, हम सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद है ईप्रोम। ईप्रोम की फुल फॉर्म है विजिबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको हम इरेज कर सकते हैं एक बार के लिए, सिर्फ सिंगल टाइम हम इसको इरेज करके उसके अंदर कुछ लिख सकते हैं। इरेज करने का जो मेथड रहता है वो अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारी डबल ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हम इसको इरेज करवा सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, कंटेंट जो भी है हमारा उसको मल्टीपल टाइम्स इरेज करवा के हम दूसरा डेटा वहां पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे जो हम इरेज करवाएंगे वो इलेक्ट्रिकल चार्ज के थ्रू इरेज करवाएंगे अपने कंटेंट को। नेक्स्ट है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी हमारी स्मॉलेस्ट मेमोरी होती है और फास्टेस्ट मेमोरी होती है। जब भी हमें फ्रिक्वेंटली सेम डेटा की प्रोसेसिंग करवानी होती है तो हम कैश मेमोरी का यूज करते हैं। उसके बाद है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी की नीड क्या है, देखो जब मैंने आपको पहले भी बताया है, जैसे ही हमें प्रोग्राम को प्रोसेसिंग करवानी होती है
तो हम उसे रैम के अंदर लेके आते हैं। लेकिन रैम का क्या है, साइज छोटा है। अगर हमारे प्रोग्राम का साइज बड़ा है रैम से, तो क्या करेंगे, वहां पे हम वर्चुअल मेमोरी का यूज करेंगे। वर्चुअल मेमोरी एक्ट करेगी एज अ प्राइमरी मेमोरी और हमें लगेगा कि हम अपने रैम के अंदर अपने प्रोग्राम को लेके पूरा काम ठीक से कर रहे हैं। लेकिन जो रैम के अंदर वो स्पेस था जहाँ पे हमारा अनरिक्वायर्ड या अनवांटेड डेटा था, उसको ट्रांसफर किया गया होता है वर्चुअल मेमोरी के अंदर कुछ टाइम पीरियड के लिए, और रैम के अंदर हमने सिर्फ वो पार्ट रखा होता है जो अभी एट प्रेजेंट टाइम पे जो हमारा प्रोसेसिंग के अंदर डेटा होता है। तो वर्चुअल मेमोरी हमारी ऐसे काम में आती है। अब बात करेंगे एक्सटर्नल मेमोरी की, तो ये तीन कैटेगरी है। मैग्नेटिक में आता है हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्टिकल में सीडी डीवीडी आ जाते हैं, और सॉलिड स्टेट में यूएसबी मेमोरी आ जाती है। तो ये सारा था रिलेटेड टू हमारे मेमोरी के। अब कुछ थोड़ा सा और बेसिक सा पार्ट पढ़ेंगे मेमोरी से। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस बेसिक से आर्किटेक्चर के साथ, कैसे कैसे कौन कौन सी मेमोरी हमारे यूज में आती है। तो हमारे सीपीयू के अंदर ही रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स क्या है, टेम्परेरी बेसिस पे हम अपने डेटा को यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। इन बिटवीन प्रोसेसिंग के अगर टेम्परेरीली हमें कहीं पे डेटा को स्टोर करना है तो हम रजिस्टर में इजीली कर सकते हैं। ये हमारी सबसे छोटी यूनिट होती है मेमोरी की और ये बहुत ही फास्टेस्ट होती है। तो यहाँ पे हम तब रिक्वायर्ड होगा तो रजिस्टर्स को यूज करेंगे। अब बात करेंगे कैश मेमोरी की। कैश मेमोरी क्या है, फास्टेस्ट मेमोरी है एज कंपेरिजन टू रैम एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब कैश मेमोरी को तभी यूज करते हैं जब फ्रीक्वेंटली ही सेम डेटा पे काम हो रहा होता है। फ्रीक्वेंटली सेम डेटा पे काम हो रहा होता है तो हम उस डेटा को कैश मेमोरी में रख लेते हैं, क्योंकि देख रहे हो ना, रैम उसके बाद है फिर सेकेंडरी मेमोरी है। तो दूर से डेटा उठाने की बजाय हमारा सीपीयू क्या करेगा, प्रोसेसिंग के लिए कैश मेमोरी से सेम डेटा को बार बार उठा लेगा। उसके बाद है रैम मेमोरी। जब भी हमें प्रोसेसिंग करनी होती है, अगर हमारा डेटा यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो हम सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी हमारी जो एक्सटर्नल मेमोरी है उसी को बोलते हैं, तो वहां से उठा के डेटा रैम में ले आते हैं और रैम से फिर सीपीयू डायरेक्टली कनेक्ट करता है डेटा के साथ। ये था कुछ बेसिक सा। अब बात करेंगे मेमोरी हायरार्की की। ये है हमारी मेमोरी हायरार्की। अब मेमोरी हायरार्की की रिक्वायरमेंट क्या है, अगर मेमोरी की बात करें तो तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं इसमें हमारे पास। एक है हमारी कॉस्ट, एक्सेस टाइम है सेकेंड चीज, कितना टाइम लग रहा है हमारे को अपना डेटा उठाने में कहीं से भी किसी भी पर्टिकुलर जगह से मेमोरी के अंदर। और नेक्स्ट है साइज, साइज कितना है हमारी मेमोरी का। साइज बड़ा होगा तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, एक्सेस टाइम भी ज्यादा रहेगा। किसी बड़ी चीज से आपको कुछ फाइंड आउट करना है तो वहां पे टाइम ज्यादा लगता है। तो इन चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए कॉस्ट हाई नहीं होनी चाहिए, कॉस्ट होनी चाहिए लो, एक्सेस टाइम भी लो चाहिए, पर साइज क्या चाहिए, हाई। तो फिर वही बात है ना, साइज हाई होगा तो एक्सेस टाइम भी ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। तो इन चीजों को मैनेज करने के लिए है हमारे पास मेमोरी हायरार्की जो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज में लाते हैं। रजिस्टर को सबसे ऊपर रखा है, फिर कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी। कैश मेमोरी को मैंने बताया, एस रैम को हम एज ए कैश मेमोरी यूज करते हैं। यहाँ पे डी रैम की बात हो रही है मेन मेमोरी में। डी रैम डिस्क स्टोरेज, आपकी यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, देन मैग्नेटिक टेप, ये हमारी हायरार्की रहती है। अगर हम रजिस्टर से मैग्नेटिक टेप की साइड जाएं तो हमारा साइज जो है इंक्रीज होता जाता है लेकिन स्पीड जो है डिक्रीज होती जाती है। तो हमें अगर स्पीड हाई चाहिए तो हमें इस साइड जाना पड़ेगा मैग्नेटिक टेप से रजिस्टर की साइड, और अगर हमें साइज ज्यादा चाहिए तो हमें रजिस्टर से मैग्नेटिक टेप की साइड आना पड़ेगा। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस मेमोरी हायरार्की का यूज करते हैं। तो ये था ओवरऑल टॉपिक हमारा मेमोरी से रिलेटेड। आई होप आपको सभी कंसेप्ट इजिली क्लियर हो गए होंगे। मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पे और मुझे मोटिवेट करते रहिए। कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइए मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और भी इंटरेस्टिंग चीजें लेके आऊंगी आप लोगों के लिए। थैंक यू।